अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माय नेम इज़ अब्दुल रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी स्टूडेंट्स इस में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन प्रीवियस सेशन में हम ये पढ़ के आ चुके हैं यूरिनरी सिस्टम और किडनीज वगैरह के फंक्शनल यूनिट्स हैं तो ये खुद किस किस कंपोनेंट में मुश्तमिल है इसकी डिटेल्स बोर्ड पर देखते हैं जी स्टूडेंट्स द टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ्रॉ सबसे पहला पॉइंट याद रखना द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम और द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज ऑल यहां पे हम स्ट्रक्चरल की टर्म नहीं लगाते क्यों नहीं लगाते इसका जवाब आपको पता होना चाहिए क्योंकि सारे के सारे गुर्दे जो है वो इन साख्तों में मुश्तमिल नहीं है That's why it is not the structural unit, it is only functional unit. Urine produced through different steps or procedures, these nephrons ka function. But we the tell you something about that is to distinguish between two different types of nephrons according to their position within the kidney. If andar jo a position, you will have two different things. The first part comes from the cortex of the kidney. राइट यानी गुर्दे की जो बैरूनी सरफेस हमें नजर आती है यानी सतह और फिर उसके अंदर वाला पार्ट दैट इज द कॉर्टिकल पार्ट कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी तो उसके अंदर जो नेफ्रॉन्स मौजूद हैं इनको स्टूडेंट्स हम कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कौन से नेफ्रॉन्स हैं जो गुर्दे के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में पाए जाते हैं और यहां पे एमसीक्यूज के लिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा अप्रोक्सिमेटली एक्ट ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट यानी गुर्दे के अंदर जो कुल तादाद नेफ्रॉन्स की पाई जा रही है उसमें से जो पचासी फीसद नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल दैट इज अबाउट द सेकेंड टाइप और सेकेंड टाइप कौन सी है मेड्यूला और कॉर्टेक्स के बॉर्डर के ऊपर जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं दे आर नोन एज जक्सा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स ऑल राइट कहां पे पाए जा रहे हैं एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स

दे हैव कंपेरेटिवली शॉर्टर लूप ऑफ हेनले लूप ऑफ हैंनले की जो लेंथ है जो लंबाई है वह निस्बतन कम नजर आती है एज कंपेयर टू द सेकेंड टाइप ऑल राइट और फिर उसके साथ ही साथ एक एडिशनल पॉइंट में यहां पर एड कर रहा हूं इन्वॉल्व मोस्टली डायल्यूट यूर इंट्रोडक्शन इनफेरली सप्लाई ऑफ वॉटर यानी कॉर्टिकल ने फ्रॉन्स जो है एक तो उनका लूप छोटा है दूसरे नंबर पे डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन में हेल्पफुल है दूसरी तरफ अगर हम देखें जक्सा में फ्रॉन्स को तो दे हैव सम डिफरेंट फीचर्स वो क्या नजर आ रहे हैं हमें यहां पे? इसके लिए आपकी बुक की स्टेटमेंट में यहां पर लिख रहा हूं इंस्ट्रूमेंटल फॉर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन ऑलराइट यानी कि कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ इसकी वजह यह भी हम यहां पे लिख लेते हैं पहली चीज वेजा रेक्टम ऑल राइट और दूसरी चीज लॉन्गर लूप ऑफ हैंडल ऑल राइट स्टूडेंट्स तो ये हमने डिस्टिंग्विश किया है यहां तक दो मुख्तलिफ इक्साम के नेफ्रॉन्स को एक वो जो सेफ कॉर्टिकल और दूसरे वो जो कार्टेक्स और मेड्यूला के बॉर्डर पर मौजूद है बट द लूपर लॉन्ग तो इस वजह से वो डिसेंड करता चला जाता है इन टू द मेड्यूलरी पार्ट एंड इट एज स्पेश प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरन यानी अगर पानी की कमी भी हो रही है और बॉडी ने पानी को रिटेन भी करके रखना है तो उस सूरत में भी क्या होगा जक्सा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स विल हेल्प द बॉडी फॉर द होमियोस्टेरिक फंक्शन स्टूडेंट्स तो ये हो गए दो मुख्तलिफ नेफ्रॉन्स इसके बाद एक टिपिकल नेफ्रॉन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं इनकी डिटेल्स नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन यानी कि कोई भी नेफ्रॉन किन किन चीजों पे और किन किन पार्ट्स पे मुश्तमिल है उसके लिए स्टूडेंट्स अगर तो ये सवाल आ जाए राइट है तो पहले आप कोशिश कीजिएगा कि एनलिस्ट कर लें और फिर उसके बाद इसको डिटेल से लिखना स्टार्ट कर करें ऑलराइट right. अगर पूरा नोट आ जाता है नेफ्रॉन के ऊपर तो फिर आप स्ट्रक्चर को स्ट्रेट एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे और फिर फंक्शन को साथ लिख देंगे ऑल राइट यानी अगर खाली स्ट्रक्चर पूछा जाए तो सिर्फ एनलिस्ट करें और फिर उसके बाद इसकी डिटेल्स लिखें क्या सीक्वेंस बनाएंगे ये मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए सबसे पहली चीज नेफ्रॉन Is functional unit of kidney? All right. Here, Jo Point Abhihamne Paratha Juxta Medullary nephrons are important. In concentrated urine formation, all right. Here is a MCQ statement each kidney comprise of almost one point five million nephrons all right or a core nq statement with every cardiac output or cardiac beat her heartbeat ke sorry kidneys Right, फॉर्मेशन है जो मैंने यहां पर लिखी है आपके लिए सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पर क्या लिखा है कि नेफ्रॉन जो है इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑलराइट फिर उसके बाद दूसरी चीज ये लिखी है कि जक्सा मिड्यू नेफ्रॉन्स कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के प्रेंगे लिए, लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर अगर आप एडिशनल एक इंफॉर्मेशन एड करना चाहें तो द कलर ऑफ द यूरिन टेल्स अस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अमाउंट ऑफ वॉटर इन साइड द बॉडी ऑल राइट अगर आप बहुत ज्यादा पानी का इनटेक कर रहे हैं तो आपको जो यूरन का कलर है वो बहुत ही ज्यादा लाइट कलर का नजर आएगा ऑल राइट right? लेकिन अगर आप यह सोच लें कि पानी का इनटेक कम होता जा रहा है बॉडी के अंदर तो आप इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं द कलर ऑफ द यूरन इट विल टर्न ब्राइट येलो ऑल राइट वो बहुत ही ज्यादा पीला नजर आना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी जो है वो वॉटर रिटेंशन की तरफ गई हुई है होमियोस्टैथिकली इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है ऑलराइट right, फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट यहां पे जो मैंने लिखा है स्टूडेंट्स दैट इज अबाउट कितना ब्लड जो है 20% ऑफ द ब्लड विद एवरी कार्डियक कार्डिकुट आपके में जाता है फिल्टर होने के लिए और यहीं से हमारे कंपोनेंट्स की डिटेल स्टार्ट होगी व्हाट ब्रिंग्स द ब्लड टुवर्ड्स द किडनीज इसका जवाब तो आपको आना चाहिए कौन से ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को लेके आते हैं सबसे पहले किडनी की तरफ दे आर द रीनल

एक इसका इनलेट और दूसरा इसका आउटलेट वो वाले ट्यूब्स जो ब्लड को लेके आते हैं टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलस और द दुम कैप्सूल दे आर नोन एज एफरेंट राइट और फिर उसके बाद कॉन्वल्यूटेड्रक्चर बलदार स्ट्रक्चर बना देने के बाद वो ट्यूब जो यहां से बाहर निकलती हुई नजर आएगी जो कंपैरेटिवली लेस थिक है एज कंपेयर टू द एफरेंट आर्टीरियल इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स इफरेंट आर्टेरियोल्स राइट तो यहां पे हमें क्या पता चला ग्लोमेरुलस एक नेटवर्क है एक गुच्छा है बहुत सारी कैपिलरीज का यानी कैपिलरी नेटवर्क है जो एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हुए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और जिस ट्यूब के थ्रू वो आ रहे थे एंट्री हुई है ब्लड की उसको हमने क्या कहा एफरेंट आटीरियोल और वो आर्टेरियोल या ब्लड वेसल जहां से ब्लड अब बाहर निकल के जाएगा दैट विल बी टर्म एज ईफ्रेंट आरटीरियोल ऑलराइट और ये सारा स्ट्रक्चर जो घेरे में लिया हुआ है एक बड़े कप शेप्ड स्ट्रक्चर ने उसका नाम है बोमेंस कैप्सूल ऑलराइट स्टूडेंट्स फिर बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टेटमेंट बनती है और वो क्या है ग्लोमेरुलस प्लस द रीनल कॉर्पसल राइट स्टूडेंट्स एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि रीनल कॉर्पसल क्या चीज है तो इसका जवाब याद रखिएगा ग्लोमेरुलस प्लस द वोमेन्स कैप्सूल फिर इसके बाद आपने यहां से आगे बोमेन कैप्सूल की ट्यूब की तरतीब याद रखनी है स्टूडेंट्स और वो क्या है द वुमेन कैप्सूल इट एक्सटेंड इन टू अकॉनविल्यूटेड पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल और इस ट्यूब्यूल का नाम हमने रखा हुआ है प्रॉक्सिमल कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल जी स्टूडेंट्स अब ये भी बात याद रखने वाली है प्रॉक्सिमल का मतलब करीब वाला किसके करीब वाला वुमेन्स कैप्सूल के जो नियर है जो उसके करीब है ये जो बलदार नाली यहां पे बनती है इसका नाम हमने रख दिया पीसीटी या प्रोक्सिमल कॉन्वेटिव ट्यूब्यूल प्रोक्सिमल कॉन्विटिव ट्यूब्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर री एब्सॉर्बेशन ऑल वो फिल्ट्रेशन का अमल जो ग्लोमेरुलस के अंदर और फिर उसके बाद वोमेंस कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब किया गया उसकी एब्जॉर्प्शन के बाद जितनी चीजें दोबारा ब्लड में जानी है उसमें से मैक्सिमम प्रोपोर्शन प्रोक्सिमल कॉन्विटिव ट्यूब्यूल री एब्सॉर्ब कर लेता है All right. तो इसका मतलब इसकी किस लिहाज़ से से। है? के जिसको हम कहते हैं right. और अगर हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये लूप ज्यादा लंबी होगी एज कंपेयर टू द कॉरिगल नेफ्रॉन ऑल राइट फिर लूप ऑफ हेनले को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में वो हिस्सा जो नीचे की जानेब जा रहा है दैट इज नोन एज डिसेंडिंग लूप ऑल राइट फिर उसके बाद यू टर्न लेता हुआ वापस आता है तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप असेंडिंग लूप का कुछ हिस्सा तो थिन है लेकिन ऊपर जाते हुए कुछ हिस्सा और ज्यादा ब्रॉड और थिक होता हुआ नजर आता है जिसकी वजह से इसका नाम थिक पार्ट ऑफ द असेंडिंग लूप रख दिया गया है जिसकी वजह से समटाइम्स इसको थिक लूप भी कह दिया जाता है तो इस वजह से अगर थिक लूप की बात आ जाए तो समझ जाइएगा कि असेंडिंग लूप की बात हो रही है असेंडिंग लूप फर्दर कंटिन्यूज एंड इट एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल किस चीज को कलेक्ट कर रही है वो सारी चीजें जिनकी बॉडी को जरूरत थी वो रीअबॉर्ब की जा चुकी होंगी इस पूरे ट्यूबुलर सिस्टम में से और अल्टीमेटली वो हिस्सा जिसको अब हम यूरिन का नाम देंगे वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एंटर होगा और एंटर होने के बाद फर्दर उसको किडनी के दूसरे पार्ट्स के हवाले कर दिया जाएगा और किडनीज के ट्यूबुलर सिस्टम में से होता हुआ वो पेलवेस और फिर उसके बाद यूरेटर्स और ब्लैडर में चला जाएगा अब यहां पर स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात यह है कि क्या कलेक्टिंग डक्ट यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो हमें नजर आ रहा है क्या वो सिर्फ एक नेफ्रॉन के लिए एक ही ट्यूब होगी नो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बहुत सारे नेफ्रॉन से एक ही वक्त में कनेक्टेड हैं और बहुत सारे नेफ्रॉन एक ही वक्त में यूरिन इसके अंदर पोर या इंसर्ट करते चले जा रहे हैं और वो लिक्विड फिर फर्दर ट्रेवल करता हुआ किडनी में चला जाता है जहां से उसको बाहर फेंक दिया जाएगा ऑलराइट यानी किडनी के उस पार्ट में चला जाता है जहां पर यूरिन को कलेक्ट किया जाएगा दैट इज नोन एज पेलवे ऑलराइट फिर उसके बाद वही रूट जो हम पहले पढ़ चुके हैं है। यूरिनरी सिस्टम में इसको मैं यहां पर लिख भी देता हूं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से होता हुआ इट विल फर्दर गो टू क्यूबुलर सिस्टम ऑफ किडनी ऑल राइट और उसके बाद पेल्विस पेल्विस से यूरेथा रिलैक्स करके या डायलेट करके इसको बाहर खारिज कर दिया जाएगा अब यह तो सारा सीक्वेंस हमारे पास आ गया सुरेंज कि ने अपने कंपोनेंट कौन कौन से हैं और वो किस तरह से इस फिल्ट्रेड को जो ग्लोमेल से निकला था उसको फर्दर पास ऑन किया जाता है और फिर अल्टीमेटली यूरेन प्रोड्यूस कर लिया जाता है लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इफरेंट आर्टीरियोल के बाद हमने किसी और कैपिलरी या किसी और नेटवर्क की बात नहीं की तो यहां पे एक एडिशनल पॉइंट आपने याद रखना है जो नेफ्रॉन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है री के लिए इंपॉर्टेंट है और वाटर रिटेंशन विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है और वो क्या है स्टूडेंट्स इफ्रेंट आर्टीरियोल जब निकल रहा होता है रीनल कॉर्पसल में से तो उसके बाद इसमें से फर्द डिवीजन और सब डिविजन होना शुरू हो जाती हैं और ये बना देता है पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क ऑल राइट पेरी ट्यूबुलर इसको कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो नेफ्रॉन इथ सेल्फ है ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इसके इर्द गिर्द जो बहुत ज्यादा गुंजल पड़े हुए नजर आते हैं आपको जो बहुत ज्यादा उलझनों की फॉर्म में आपको एक कैपिलरी बेड नजर आ रहा है और यही पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क जब लूप ऑफ जब उसको कवर करता है तो हम एक स्पेसिफिक नाम इसका रख देते हैं That is known as right? का मतलब है स्ट्रेट वेसल ऑलराइट और इसकी स्पेशलिटी क्या है स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा आमतौर पे वो कैपिलरीज जो ग्लोमेरुलस के अंदर हैं वो हाई प्रेशर कैपिलरीज कहलाती हैं जबकि ये क्या कहलाती हैं दीज आर नोन एज लो प्रेशर कैपिलरीज और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन ऑफ कंसेंट्रेटेड यूरिन ऑल राइट स्टूडेंट्स तो ये है वैसा रेक्टा फिर इसके बाद स्टूडेंट्स थोड़ी सी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको काम आएगी एम वगैरह में और वो क्या है कि द स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट विद इन द वूमेन्स कैप्सूल और फिर उसके बाद फर्दर आने वाले ट्यूब्यूल्स के अंदर इसमें याद रखिएगा आप कि सबसे पहला हिस्सा जो वूमेन्स कैप्सूल जिसको हमने कहा उसके अंदर स्पेशलाइज सेल्स पाए जाते हैं दैट आर नोन एज पिराइडल सेल्स ऑलराइट अब यहां पे चूंकि फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है तो दीजे सेल्स दे हैव एन एडिशनल लेयर इनके बाद एक और लेयर मौजूद होती है दैट इज़ लेर सेल्स ऑल राइट और यहां पे स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद हैं जिनके पास एक्सटेंशन हैं सुडोपोडिया की तरह की इसी वजह से उनका नाम रख दिया गया है पोडोसाइट्स इसके नाम से हो जाना चाहिए साइट आर द सेल्स एंड पोडो फॉर द फीट यानी वो सेल्स जिनकी लंबी लंबी एक्सटेंशन बनी हुई हैं और वो cells के साथ ऑपरेट कर रहे हैं फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस फिर इसके बाद एक स्पेशलाइज्ड टर्म आपने याद रखनी है ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑलराइट ये ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मौजूद हैं. और एब्सॉर्प्शन के लिए इनके पास मौजूद होते हैं ये टर्म तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है जी स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये लफ्स पढ़ा था कि आर द विद इन दिल ऑल राइट और विलय बजाते खुद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं तो इंटेस्टाइन में जो काम कर रहे हैं वही काम इनका यहां पे है इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्न ऑलराइट तो यहां पे इसको हम एब्जॉर्प्शन की बजाय कहते हैं क्योंकि पहले ही खुराक जजब हो चुकी हुई थी अब जब वो बाहर जाना है तो उसको पेरी नेटवर्क के हवाले करना है इन्होंने जजब करके तो दैट्स दिस प्रोसीजर इज नोन एज री एब्सॉर्तबार से द ब्रश बॉर्डर सेल्स दे आर न्यूमरस विद द सेल्सिमल कॉन्विटिव ट्यूब्यूल डिजिटल कॉन्विटिव ट्यूब्यूल के अंदर भी होते हैं लेकिन वहां पर इनके माइक्रोविलाय की तादाद नस्बतन कम होती है ऑलराइट स्टूडेंट्स right, तो ये है वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन याद रखने के लिए एफ एस सी के एग्जाम के लिए ऑलराइट तो नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी